हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक जो है अपने विद्यालय पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, तो अब उनका इंतजार जो है अब ख़त्म ही होने वाला है। बहुत सारे जिलों में विद्यालय पदस्थापन का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, और सक्षमता परीक्षा में किस ज़िले में कितने शिक्षकों का पदस्थापन हुआ है ये सारा डाटा जो है आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अररिया का सबसे पहले है 125 में, जनरल में बांग्ला में 8 शिक्षकों का पदस्थापन हुआ है, और जनरल शिक्षकों का 3473 का, उर्दू में 1359 का, टोटल 4840 125 में, ठीक है। इसके बाद 6 to 8 का सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, सोशल साइंस, उर्दू, और टोटल 921, ठीक है। फिर इस तरफ जो दिया गया है ये 9-10 का दिया गया है, सारे विषय का मिला के 384 शिक्षकों का पदस्थापन जो है अररिया ज़िले में 9-10 में किया गया है। और सारे ज़िले का आप देख सकते हैं, अरवल का, औरंगाबाद का, बांका का, बेगूसराय का, ठीक है, तो इस भागलपुर का, तो आप अपने ज़िले का अगर देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितने शिक्षकों का पदस्थापन जो है वो हुआ है। तो मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में सामान्य में 5527 और उर्दू में 693, कुल 6221 शिक्षकों का जो है 125 में पदस्थापन हुआ। 6 to 8 का भी विषय वाइज यहाँ पर पूरा दिया गया है, 9-10 का भी दिया गया है कि किस ज़िले में कितने, टोटल 38 ज़िले का आप देख सकते हैं 125 में टोटल 1,39,010 शिक्षकों का रिजल्ट आया है, जिनको अलग अलग ज़िला मिला है। तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो गया है कि एक ज़िले में कितने शिक्षकों का है जो पदस्थापन हुआ है। बहुत से शिक्षक ऐसे भी हैं जो इस ज़िले से वो किसी और ज़िले में जाएंगे और किसी और ज़िले से भी इस ज़िले में आएंगे, तो टोटल मिला के किस ज़िले में कितने शिक्षकों का पदस्थापन जो है वो हुआ है ये सारा डाटा जो है वो क्लियर हो चुका है। तो जल्द ही जो है इसका विद्यालय पदस्थापन का कार्य भी शुरू हो जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट जारी होता है और इसका इलेक्शन जो हो रहा है लोकसभा चुनाव, उसका काउंटिंग हो जाएगा, इसके बाद सभी ज़िलों का जो है शिक्षकों का विद्यालय में जो है पदस्थापन हो जाएगा, सबका विद्यालय सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलॉट हो जाएगा। और काउंसलिंग का डेट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जून में जो है सब हो जाएगा। तो अब इंतजार की घड़ी समाप्ति होने वाली है, तो आगे जो भी अपडेट आता है उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह के न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पर आते रहती हूँ। और वीडियो को शेयर जरूर करें, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।